हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं अभी बालकनी में बैठी हुई हूँ और ये जो आवाज़ मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रही है। और ईशा अभी वॉशरूम गई है क्योंकि वो आज मेरे साथ ही उठ गई है, क्योंकि ऐसे तो वो मुझसे लेट उठती है क्योंकि उसको आजकल सोने में बहुत मज़ा आता है और बहुत आलसी हो गई है। अभी ये देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ बैठी थी, अब मैं यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ क्योंकि ये यहाँ पर है ना काम चल रहा है, ये घर बन रहा है, इसलिए ये आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर चलते हैं नीचे क्योंकि मम्मी ने एक बार आवाज़ लगा चुकी है तो अब दूसरी बार आवाज़ आएगी तो आप भी समझ जाइए, डांट तो पड़नी है क्योंकि अभी 11 बज रहा होगा। देख लेते हैं, हाँ 11 ही बज रहे हैं। आजकल हम लोग 11 से पहले नींद ही नहीं खुल पा रही है, पता नहीं क्यों। अलार्म भी लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, पर 11 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलती। और रात में हम लोग सो जाते हैं 11-12 बजे, फिर भी नींद नहीं खुलती। मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं तुम लोग कितना सोते हो, हम लोग बोलते कहाँ सोते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है, स्नेहा चली गई है नीचे, यहाँ पर बहुत आवाज़ आ रही है, यहाँ पर घर बन रहा है ना इसलिए आवाज़ आ रही है। तो स्नेहा चली गई है नीचे, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मम्मी डांटेंगी। बज गया है 12, इसलिए स्नेहा चली गई। पहले स्नेहा डांट खा लेगी, उसके बाद मैं भी खाऊंगी डांट, पर मैं थोड़ी कम खाऊंगी, इस वजह से मैंने स्नेहा को नीचे भेज दिया। अच्छा किया ना, कमेंट करके बताइए आप लोग मैंने अच्छा किया या नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मैं भी चलती हूँ नीचे, पता चले और लेट हो जाऊँगी तो और डांट सुननी पड़ेगी। तो फिर चलते हैं नीचे, उसके बाद फिर क्लास का टाइम हो जाएगा, फिर क्लास के लिए रेडी होना पड़ेगा, फिर क्लास जाओ। बहुत धूप हो रही है आजकल तो बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं जल्दी से नीचे। नेहा, तो तुम क्या कर रही हो? पराठे बना रही। बनते हैं तुमसे पराठे बनाते हैं? और हाँ, और क्या, कैसे बनाते हैं बताओ। देखो, पहले ऐसे गोल गोल भेज लेते हैं, छोटा सा पूड़ी टाइप का। हाँ हाँ, हाँ पूड़ी टाइप का। हाँ, हम लगाएंगे तेल, ठीक है, हम लगाएंगे तेल। हाँ, ये पूड़ी में, ओके ओके पूड़ी में। अच्छा, पूड़ी बना रहे हैं क्या? मतलब छोटी से जो हमने मोटी से जो पूड़ी बनाई थी उसमें हम लगाएंगे तेल। हाँ, फिर हमने ऐसे तेल लगाया और हम इसको बनाएंगे। अच्छा, ऐसे लगाते हैं तेल। हाँ, फिर हम इसको ऐसे करेंगे, ओके। कैसे करेंगे? ऐसे समोसा शेप में, ओके ओके ओके। थोड़ा सा वो पलट देती हूँ। अच्छा अच्छा, ये हमारा पराठा मिले जलाई। देखिए फ्रेंड्स, इसने जला पराठा बनाती है। ऐसा नहीं है, इसकी बातों से होता है यार। फ्रेंड्स, इसने का पराठा देखिए, इसने आप तो मेरी टेक्निक नहीं समझी, मैंने इसलिए तो तुमको बातों में लगाया था। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं मम्मी की डांट के ओर। और ईशान की देखिए कितनी अच्छी आदत है कि उठते साथ ही सीधे पढ़ाई करने लगे। और मम्मी की डांट के ओर चलते हैं। तो मम्मी, मत दिमाग खराब कर। फ्रेंड्स, डांट पड़ चुकी है और मम्मी का दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है, तो मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, पता चले पेटे पेट गई मैं तो फिर मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। और ईशान, कौन सी बुक पढ़ रहे हो? इकिगाई। लिया नहा लूंगा अभी। ओके, ब्रश कर लिया? हाँ कर लिया, आपसे पहले उठो। मुझे पता है तुम मुझसे पहले उठे। और शिल्पा दीदी, ये क्या कर रहे हो आप? तबियत ठीक नहीं है मेरी। क्या हो गया आपकी तबियत को? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। सर्दी खांसी फीवर, तीनों चीजें। तो चलते हैं डॉक्टर के पास शाम को। 10 दिन से तो बोल ही रही हूँ डॉक्टर के पास चलते। तो फ्रेंड्स, की लड़की इतना झूठ बोल रहे हैं, रोज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं आलू के पराठे जो कि बेले मैंने हैं और सेके स्नेहा ने हैं, और आलू का पेस्ट बनाया मम्मी ने। तो ये आलू के पराठे बनाने में हम तीनों का सहयोग है। और खाया है शिल्पा दीदी, ईशान और मम्मी ने, और स्नेहा मैं भी खा रहे हैं। हम लोगों का टाइम हो रहा है तो जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा, टाइम हो गया, 1:30 बज गया है और अभी ऐसे ही बैठी है, रेडी भी नहीं हुई है। तो अभी हो जाएंगे 2 बजे के समय में, 1:30 बज गया।
आ चुकी हूँ क्लास से, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास से, और अभी मुझे जाना है गरबा क्लास में। तो गरबा क्लास में अभी जैसे एक कलर की थीम चल रहे हैं, जैसे ही चल रहा था एक दिन सभी को येल्लो पहन के जाना था, फिर एक दिन सबको ब्लैक पहन के जाना था, फिर वाइट, फिर रेड, और आज है पिंक। तो मैं भी जल्दी से पिंक चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो चुके हैं गरबा क्लास जाने के लिए। इसने मैंने चेंज कर लिया है इसलिए क्योंकि आज वहाँ पे है पिंक, मैंने बताया ड्रेस कोड है वहाँ का पिंक। अच्छा, इसने ने बताया, मुझे पता नहीं है, पता चलेगा बाद में, अभी बताया जब पता चला। तो बस हम लोग पिंक पिंक पहन के तो रेडी हो गए, अब चलते हैं दीदी के पास। पता नहीं दीदी ने कौन सा कलर पहना है, उनने भी पिंक ही पहना होगा। और आज हम आपको लेके चलेंगे जहाँ हम लोग डेली जा रहे हैं गरबा क्लास खेल मतलब सीखने। तो आज हम आपको भी दिखाते हैं कहाँ पे हम लोग सीखते हैं, कैसा क्या है, कैसा सीखते हैं, कैसा बनता है, पता नहीं बनता है कि नहीं बनता है। हम लोगों ने पहना है पिंक 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 पिंक। और अब हम चलते थोड़ा सा आगे, वहाँ भी बहुत स्पेस है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ सिग्नल में खड़े हुए हैं हम लोग। ना जब जब आओ जब जब सिग्नल लग जाता है, कभी खुला नहीं मिलता हम लोगों को। और हम जा रहे हैं घर। और ये लिखा है आई लव जबलपुर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गरबा क्लास से, और हम आए थे तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास से आते हैं तो फिर तुरंत बाद हमको वहाँ से जाना पड़ता है घर से ही। सिर्फ 5 मिनट के लिए आते हैं, मतलब दीदी लोगों के ही साथ जाते हैं। तो 5 मिनट के लिए नहीं, आधा घंटे के लिए बस आते हैं हम लोग घर। क्यों? 5 बजे घर आते हैं, 5:30 पे हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो आधा घंटे तो तैयार भी तो होते हैं, तैयार व्यार होते हैं, तो मतलब फिर जब बिजी रहो ना तो समय और छोटा लगता है। आधे घंटे भी 5 मिनट लगते हैं, जैसे कि देख लिया आप लोगों ने, जैसे कि स्नेहा ने बोला। हाँ, तो फिर मतलब क्लास से आए थे तो इतनी ज़्यादा भूख लगी गरबा क्लास से आए थे, तो फिर हम लोगों ने सीधे खाना खाया और अब बैठे तो ऐसा लग रहा है सिर्फ सो जाए, इतनी ज़्यादा थकान हो रही है। बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है, इतने ज़्यादा थक जाते हैं अब हम लोग कि कुछ कुछ करने का अब समय ही नहीं मिलता है। पहले तो ऐसा था कि फ़ोन चला लेते थे, रील्स ही देख रहे हैं, अब तो रील्स देखने का भी मन नहीं होता क्योंकि थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसे कुछ ज़्यादा थक जाती है फिर वो बहुत देर तक सोती है। हाँ, मैं 12 बजे उठने लगी है। हाँ, मैं सुबह थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि मैं रात में लेट सोती हूँ। कितनी अच्छी बात बोल रही है, तो रात में जल्दी सो। हाँ, सो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं यही एंड करना चाहूँगी। ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, जो कि अभी हमारी गरबा में कपड़ों की थीम चल रही है, जैसे आज ड्रेस कोड चल रहा है हमारा। हाँ, कलर का तो आज था जैसे कि पिंक और कल है स्काई ब्लू। अगर आप लोगों को देखना है कल स्काई ब्लू वाला ड्रेस कोड तो आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, तो फिर आप लोगों को टाइम पे ब्लॉग मिल जाएगा। मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए न्यू ब्लॉग नहीं आ रहा है, जब तक के लिए बाय।